हेलो फ्रेंड्स, वी किचन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था अनरसे की गोली कैसे बनाते हैं। अनरसा जो कि हमारे इंडिया में कुछ ये फेस्टिवल पे एक बहुत ही अच्छी मिठाई है, बनाई जाती है। और यूपी साइड में ये नागपंचमी से लेके रक्षाबंधन और महाराष्ट्र की तरफ ये दीपावली की बहुत ही खास मिठाई होती है जो कि हम बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया कि अनरसे की गोली कैसे बनाते हैं। और फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि हम अनरसा कैसे बनाएं। तो अनरसा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने ये हाफ कटोरी चावल का आटा लिया है, राइस फ्लावर। फिर हमने ये 1/4 कटोरी यानी 1/4 कटोरी सूजी ली है। हाफ कटोरी हमें चीनी चाहिए, चीनी को हमने पीस कर उसका पाउडर तैयार कर लिया है। 2 टेबल स्पून हमें कसा हुआ कद्दूकस किया हुआ नारियल लिया है। 1/2 टीस्पून हमने देसी घी लिया है। 2 इलायची जिसे हमने कूट के पाउडर बना लिया है। और ये हमें सफ़ेद तिल चाहिए और थोड़ा सा दूध। तो फ्रेंड्स, आइए हम बनाते हैं अनरसा। फ्रेंड्स, अनरसे बनाने के लिए हमने एक बाउल लिया है और उसमें हमने ये सूजी डाल दी है और हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून दूध डालेंगे जिससे ये हमारी सूजी भीग जाए। अब हम इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये 2 मिनट हो गए हैं और ये सूजी हमारी फूल गई है। और अब हम इसमें ये चावल का आटा, पिसी हुई चीनी, नारियल कद्दूकस किया हुआ, देसी घी और ये इलायची पाउडर भी इसी में डाल देंगे और इसे हम खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, हम इसे हाथों की मदद से खूब अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हमने अभी कुछ भी नहीं डालना है, ना ही पानी डालना है और ना ही दूध डालना है। हम इसे खूब अच्छे से मसल मसल के मिक्स करते जाएंगे, ये हमारा आटा गूंथ जाएगा। अगर ज़रूरत पड़े तो आप स्पून से ही 1/2 स्पून दूध डाल लीजिए और फिर इसे खूब मसलिए। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारा आटा गूंथ के तैयार हो गया है। इसे हमें बहुत गीला नहीं करना है, ये हमारा आटा सूखा सूखा ही रहना चाहिए। और अब हम इसके अनरसे बनाएंगे। फ्रेंड्स, अब हमने ये आटे को लिया और अब हम इसकी लोई बना लेंगे। एक छोटे छोटे लड्डू के आकार की इतनी बड़ी लोई हम ले लेंगे और हम इसे गोल कर लेंगे। और ये हमारे पास है सफ़ेद वाले तिल, हम इसमें ऐसे डाल देंगे और ऐसे हथेली पे रख के हम इसको ऐसे दबा देंगे। ये देखिए, ये अनारसे हमारे बन गए। इसी तरह से हम दूसरी लेंगे, इसको ऐसे तिल में हम डिप करेंगे, लपेटेंगे और फिर ऐसे हथेली पर रखेंगे ये। और ऐसे हम इसकी मदद से ये देखिए, ऐसे 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 हम दबा के इसी तरह से हम अपने सारे अनरसे बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये अनरसे हमने बना लिए हैं और अब हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए हमने ये कढ़ाई में देसी घी डाल रखा है और घी हमारा गर्म भी हो गया है। आप चाहें देसी घी में नहीं तो आप रिफाइंड भी तलना चाहें तो आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं। घी हमारा गर्म हो गया है, हम गैस को सिम पे कर देंगे और हम इसमें ये अनरसे डाल के ऐसे डीप फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, देखिए, ये हमारा अनरसा इसमें कढ़ाई में डाल दिया हमने। फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा घी डाले हैं क्योंकि हम एक बार में एक ही अनरसा डाल के डीप फ्राई करेंगे। हम इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो वो हमारा फ्राई नहीं होगा और वो फट जाएगा। इसलिए हम एक एक करके अनरसे को डीप फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हमारा अनरसा, ये देखिए, ये बन चुका है, फ्राई हो गया है। और अब हम इसे टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे।
इसी तरह से हम अपने सारे अनार से फ्राई कर लेंगे और टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अपने सारे अनार से डीप फ्राई कर लिए हैं, हमारे सारे अनार से तल गए। तो फ्रेंड्स ये लीजिए, ये हमारे अनार से गर्म गर्म अनार से तैयार हैं। ये ठंडे हो जाएं तो आप इन्हें एयर टाइट जार में भर के और एक महीने तक रख कर खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। तो फ्रेंड्स, इस त्यौहार पर आप भी घर पर ही अनारसे और अनारसे की गोली बनाइए और अपने कमेंट्स मुझे दीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और इसी तरह की और रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।